भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और कश्मीर में सर्दी का कहर जारी है। मंगलवार को कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप रहा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में 26 जनवरी की सुबह तक कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में गुरुवार को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। देखा जाए तो पिछले कई सालों से लोहड़ी के बाद ठंड कम हो जाती थी, लेकिन इस साल लोहड़ी के बाद भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते लोगों के आम जीवन पर काफी असर पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अब हम बात करें पंजाब की, चंडीगढ़ में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पटियाला में 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बात करें पठानकोट की, तो पठानकोट में मौसम 2 बजे तक थोड़ा ठीक था कि अचानक 3 बजे से कोहरे ने पठानकोट को अपने आगोश में ले लिया। अद्विका की साल की सबसे बड़ी बॉक्सिंग डे सेल में आए और 70% तक डिस्काउंट पाए। लेडी सूट्स, लहंगास, गाउन्स, शॉल्स, गरम सूट और जेंट्स लोईस। एड्रेस A3 पटेल चौक, पठानकोट, गुरदासपुर, बाटा चौक, साहूवालिया कॉम्प्लेक्स, चर्च के नजदीक। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममूल, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।